क्या माहौल है? माहौल साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है? यस। ये कह रहे हैं कि साइकिल नहीं जीतेगी यहाँ से, लगता है। ये कह रहे हैं पागल है। हाँ। जो आजमगढ़ की है की है न? हाँ। वो डंका चीज निकल रही है। अच्छा। हाँ। तो क्या किए है निरहुआ ने, काम किया कह रहे हैं? यादव ने कमिश्नर दिया है, दीवानी कचहरी रेलवे स्टेशन हर चीज यहाँ पे अखिलेश यादव ने किया है, मुलायम माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। बोलिए। आप कुछ वो मत करिए। देखिए, क्या आपका क्या नाम है? क्या संसाद अहमद। क्या क्या माहौल है यहाँ पे? क्या माहौल? माहौल क्या, सपा जीत गई है चुनाव। सपा जीत गई है? आज चुनाव हो जाए, सपा जीत गई, दोनों जीत गई है। हाँ, लेकिन वहाँ आगे लोग कह रहे हैं कि बहुत कड़ी टक्कर है, जीतना उतना किसी का तय नहीं है। ये सब भरम वाली बात मत करिए। निरहुआ मजबूत है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत गए चुनाव, निरहुआ मजबूत नहीं है। धर्मेंद्र चुनाव आज अभी हो जाए, धर्मेंद्र चुनाव जीत गए। निरहुआ भी तो है, वो भी तो यादव है और उनके परिवार के नहीं है, तो वही कह रहे हैं किसी और यादव को उठा देते। जबरदस्ती वाली बात क्यों कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ उसको बताइए ना। अभी चुनाव हो जाएगा, लालगंज और सदर दोनों सीट सपा की झोली में चली गई है। क्या किया है सपा ने वहाँ? 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी। यार वो सब 400, ये सपा ये गठबंधन वाले 400-800 की बात मत करिए। जो सच्चाई है, जो सामने है, उसकी बात करिए। आप भ्रमित अंधेरे की बात मत करिए। आज अभी अभी चुनाव करा लेंगे तो धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमने हर जगह काम किया है, 5 किलो राशन है तो मैदान में तो है ना। कौन कह रहे हैं उनको कि नहीं है? हाँ। अब वो दो पहलवान लड़ेंगे, जीतेगा तो एक ही ना। हाँ। कि दोनों जीत जाएंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? श्री राम प्रजापति। क्या है यहाँ पे माहौल चुनाव का? यहाँ माहौल दोनों जन टक्कर में है। अब देखिए 5 तारीख को मालूम पड़ेगा, 4 जून को कौन जीतता है। अच्छा ठीक है, आपका क्या नाम है? दिनेश सोनकर। क्या है यहाँ पे माहौल? भाजपा, भाजपा का माहौल है। चलिए, आपका क्या नाम है? राकेश चौहान। मगर यहाँ कांटे की लड़ाई है। किसकी कांटे की लड़ाई है? साइकिल और फूल की। और जीते कौन? अब उसी में देखिए तर विचर, कोई बता नहीं सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। निरहुआ ने अच्छा काम किया है? वो भी किया है, थोड़ा सा देहात में सड़क उड़क बनवाया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अखिलेश का काम है। अच्छा, अखिलेश का काम ज्यादा है कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपने तो अखिलेश वाला गमछा भी पहन लिया है। क्या है माहौल? बढ़िया है माहौल। क्या माहौल है? अखिलेश यहाँ साइकिल जीतेगी। साइकिल जीतेगी? अरे वहाँ 400 पार का नारा, आप कह रहे हैं साइकिल जीतेगी? कोई हुआ कह रहे हमने काम किया, विकास किया, हम जीतेंगे। कुछ भी कोई करे। हाँ। उससे नहीं मतलब, मगर यहाँ जीतेगी, सपा जीतेगी। चाहे जो हो जाए सपा जीतेगी। सपा जीतेगी क्यों? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। वो भले दे रहे हैं, वो तो सब ले रहे हैं, मगर यहाँ भाई वही जीतेंगे। वही जीतेगी, ये जिद है। और परिवार के लोग को उतार दिए। निरहुआ कह रहे हैं और कोई यादव नहीं मिला था। वो आदो दो लड़ते हैं तो दोनों आदो में रहते हैं तो एक तो गिरता है ना। तो पिछली बार हार कैसे कहते धर्मेंद्र यादव? अरे भाई वो तो कोई धर्मेंद्र यादव यहाँ कहाँ से सपा। अरे पिछली बार उपचुनाव में सपा क्यों हार गई थी? का दोनों पहलवान लड़ते हैं तो का साथ ही पटक देते हैं, ये कहीं पटकता है ना। हाँ। तब आपकी मान लिए। अच्छा चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? जायद। सतीश कुमार। सतीश कुमार। क्या है माहौल यहाँ चुनाव का? मैं यहाँ का हूँ नहीं साहब, तो कहाँ से बताऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आप देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से, यहाँ पर हम आपको एक एक बात सुनवा रहे हैं। ये देखिए आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? इंडियन मौर्य। क्या है यहाँ पे माहौल चुनाव का? माहौल बढ़िया है यहाँ पर, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। इंडिया गठबंधन जीत रहा है 100%। कह रहे हैं कि 400 पार का नारा हर जगह वही जीत रहे हैं। कुछ निरहुआ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को डायरेक्ट वो कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अखिलेश यादव के निरहुआ के औकात नहीं है, चैलेंज करेंगे। अच्छा औकात तो कह रहे हैं हमने विकास करवाए यहाँ पे, हम भी तो यादव हैं, वो भी तो यादव हैं। क्या विकास कराए हैं? कह रहे हैं एयरपोर्ट और ये क्या नाम है, सड़क बेच दिए, वही विकास है। निरहू और निरहू के लोग बेच दिए, यही विकास है ना। अच्छा तो मतलब सब बेच रहे हैं और क्या कर तो 5 किलो राशन दे रहे हैं ना मोदी जी। हाँ तो यही तो बड़े शर्म की बात है, 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, हम 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं, ये शर्म की बात है। अब विश्व गुरु बनते हैं। अच्छा कौन जीत रहा है, कितने मार्जिन से जीतेंगे? मार्जिन तो बहुत है, निरहू की जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त हो जाएगी? अरे बाप रे बाप। तो देखिए यहाँ पर देखिए माहौल, देखिए ठीक है ये बताइए। अच्छा ये मत बताए, काम धंधा चाची कैसा चल रहा है? हाँ?
काम धंधा कैसे चलत है? ना ठीक चलत है। ना ही ठीक चलत है। हाँ। ये का है? अब कुछ मिलत नहीं है? नहीं। अच्छा ये का है? हाँ? अब ओके ना बता सकती बेटा, पढ़ा लिखल ना है। हाँ। अंगठा छाप। हाँ। तब का बोलब का बताई? तो केकर माहौल है। हाँ? केकर माहौल है? हाँ। अब भाई अखिलेश का माहौल लौकत बा। अखिलेश के माहौल है? हाँ। ई का है? 5 किलो रसनवा तो मोदी जी दिए थे। दे तो सिलेंडर भाई, अब उन्हों पर विश्वास कर जाए कि देखल जाए कि अखिलेश का करत हम। अच्छा। हाँ। तो कहे एक बार और नहीं रहूँ, अगर चांस दो एक बार और मौका दो। चलो देखल जाए, देखल जाए हो जाए तो हो जाए, देखल जाए का कहल जाए। ठीक है ठीक है, लेकिन माहौल अखिलेश का ये उनके देखल नहीं जाते, अखिलेशों को देखल जा। अच्छा। हाँ। तो बहुत बार देखे? बहुत बार ना देखल है, ये अभी पहली बार देखा। अच्छा तो ठीक है, ये देखिए यहाँ लोग जो है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे भी माहौल लेंगे का माहौल है। अरे 400 पार का नारा मिल रहा है और 80 का 80 सीट कह रही है निकालेंगे, आप कह रहे हैं यार माहौल जो माहौल बता रहा है वही माहौल हम बता रहे हैं। अब राम जाने जो आगे चले तो काहे क्यों यहाँ पे सपा का काहे माहौल है? जो देख रहे हैं वही हम बता रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं आप? हम देख रहे हैं यहाँ के जो पब्लिक सपा का जो गुण गा रहे हैं वो तो निरहुआ कह रहे हैं, सफाया कर देंगे यहाँ से सपा का। वो तो निरहुआ भी कह सकते हैं और धर्मेंद्र यादव भी कहेंगे। हाँ। कहने वाले हम जो देख रहे हैं माहौल वही बात बता रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? वही चल रहा है। नहीं नाम, नमोआ का है? तेज बहादुर। तेज बहादुर केकर माहौल है वो? नहीं गया, सपक चल रहा है। सपक माहौल है? हाँ। सपक कैसे माहौल है वहाँ? अभी आगे हम मिले थे, लोग कह रहे थे यहाँ पे बड़े अंतर से निरहुआ जीतेंगे, काम किए इतना, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं। कभी जिंदगी में निरहुआ नहीं जीतेगा बड़े अंतर से। कैसी आप बात कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाने के क्या कर रहा है वो? साली खाली मुंह से जबानी बोलते हैं, कुछ जमीन पर नहीं करते हैं। मुलायम का देन था कि वो पहले का सब सिस्टम बना था, तब ये आज बनवाए हैं। ठीक है मुलायम, अब मुलायम मुलायम है नहीं। अखिलेश जितना कर दिए आजमगढ़ के लिए उतना कोई नहीं किया है, चाहे अखिलेश निरहुआ नहीं किए। क्या किए हैं? क्या किया है? खाली परिवार को फिर से 100 नंबर को, 100 नंबर अपने परिवार को फिर से उतार दिया, 100 नंबर को 112 नंबर किए हैं। बस 112 का बस यही इसी किए हैं और क्या किए बताइए? रहुआ बताइए क्या नहीं बताइए? एयरपोर्ट तो मुलायम और अखिलेश ने किया। जो मुलायम सिंह ने आजमगढ़ जिले के लिए कर दिया कोई व्यक्ति नहीं किया। तो मुलायम सिंह अच्छे थे, अब वो नहीं है। तो अब मुलायम सिंह नहीं है तो धर्मेंद्र यादव क्या कर लेंगे? उनके लड़के हैं ना, उनके लड़के हैं तो उनके लड़के उससे ज्यादा काम तो मोदी जी कह रहे हैं। 5 किलो राशन दिया, हर 5 किलो राशन जनता को बहका रहे हैं, राशन दे करके बहका रहे हैं। बेरोजगार कितने 5 किलो राशन में 1 महीना खा ले, 1 महीना बस हो गया। बेरोजगार पड़े हुए हैं, जो पेपर दे रहे हैं लीक हो जा रहा है, 1000-2000 खर्च हो रहा है, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और 5 किलो राशन दे के बहका रहे हैं हमको। तो बेरोजगार से रोजगार भी तो बढ़ रहा है। कितना नौकरी मिला? नौकरी क्यों मिला? नौकरी 10 साल में एक भी नौकरी नहीं मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरी बैठे बैठे बैठिए, आइए आइए, आपका नाम बताइए। खाए हम जाते बड़ी चुका उनसे भैया बताओ भैया। नहीं नहीं आप बताइए कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई निरहुआ अच्छे अंतर से जीतेंगे, काम किया उन्होंने, कभी नहीं जीत सकता है। आज हम कुछ नहीं जीत पाए, काहे नहीं निरहुआ भाई? एक साल ही तो उनको मिला, एक साल ही तो कैसे 2 साल मिला है, एक साल ही तो मिला। वो क्या किया है? कुछ नहीं किया है, खाली आकर के नाच रहा है, गाड़ी लाग चल जा रहा है, और क्या किया है बताइए? तो कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। कह रहे हैं सड़क बनवा दी है। कुछ नहीं सड़क उसने क्या बनाया? अखिलेश यादव चाहे जहाँ से लड़ जाए वहाँ आ जाएंगे लड़ने के लिए। कुछ नहीं, उसकी क्या ताकत है लड़ने की? यादव वो भी तो ताकत नहीं है। यादव वो भी वो यादव नाम का यादव है, उसका यादव का कोई लक्षण नहीं है। अच्छा कोई वो नहीं है तो योगी मोदी तो है? योगी मोदी जहाँ तहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, एकदम नहीं है। आजमगढ़ में बोल रहे हैं? हाँ आजमगढ़ में बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? अभी वही सांसद है, लोग बोल नहीं रहे, लोग कह रहे हैं बहुत उनका दबदबा है, कोई बोलेगा पुलिस में पकड़वा देंगे, कुछ बात करेंगे, क्या कर देंगे हम? कोई अपराध कर रहे हैं? अपनी बात को बता रहे हैं? गलत सरकार चुन लेंगे तो भैंसिया आपकी चली जाएगी, और कह रहे संसाधन चला जाएगा, मंगल सूत्र छिन जाएगा, चाची मंगल सूत्र छिन जाएगा। ना कहेंगे, कह रहे हैं मोदी जी मंगल सूत्र छिन जाएगा अगर दूसरी सरकार आ गई तो। तब का छिन तो जाएगा करीब, जुमला मोदी पढ़ा रहे हैं, सभी लोग जुमला 10 साल बहुत पढ़े, अब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? किसकी?
अब उत्तर प्रदेश हमको लेके थोड़े हम तो आजमगढ़ में हैं, उत्तर प्रदेश हम क्या करिए भैया, आजमगढ़ जिले की बात करिए चाहे जिस जगह है आप। आजमगढ़ में तो आप लोग कह रहे हैं, करिए आप उत्तर प्रदेश की बात, आजमगढ़ में तो आप लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जी, आजमगढ़ जिले की बात करिए। अच्छा तो पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार हार गए, लक थी, जनता जिता दिया, हरा दिया, जनता के मूड में जब उस समय पागल जनता बनी हुई थी। अपने परिवार वालों को फिर से यही तो निरहुआ कह रहे हैं, अपने परिवार वालों को हर जगह लड़ा रहे हैं, क्यों कहे भाई उनको अपने और कोई यादव नहीं मिला उनको? बहुत मिले मिले, जो निरहुआ भी तो यादव थे। हाँ, तभी तो जीते भैया। लेकिन भैया जी इन्होंने जो जो चाल चली है यादव से यादव को लड़ा कर, बहुत बढ़िया चाल चल दी है इन्होंने, बहुत बढ़िया चाल चली है। क्यों नहीं, किसी तो चाल अच्छी है तो जीतेंगे भैया जी। मेरी बात, किसी मुहम्मदम को उठा दिए होते, किसी यादव को तो मायावती ने उठाया तो भैया जी गलत उठा दिया आपने। बसपा का प्रत्याशी दो बार बदला गया, राजभर को देकर के हटा दिया गया, फिर मुसलमान को दिया गया, उसकी बीवी को दिया गया, फिर उसके पति को दिया गया। कि निरहुआ जीता, कि निरहुआ कभी नहीं जीतेगा जिंदगी में, कभी नहीं जीतेगा, कभी नहीं जीतेगा, दावा कर रहे हैं आजमगढ़ से कभी नहीं जीतेगा। चलिए दादा ने दावा कर दिया है कि आजमगढ़ से नहीं जीतेगा, लेकिन चाची आप क्या कहेंगे, आमदनी आमदनी कैसी चल रही है, लिट्टी चोखा कैसा बिक रहा है? वो दाम हमें तो वो दाम भी कहता है, मर चुकी है हमारी आमदनी, मर चुके, हम भूखे मर रहे हैं रोड पे, आमदनी हाँ भूखे मर रहे हैं, कुल 5 किलो राशन हम नहीं जी पाएंगे, ना मेरा परिवार जी पाएगा। 35 किलो आटा मैं दाम हुआ, हाँ बट्टी चोखा कुछ नहीं मिला था, कहाँ मिला, कुछ ना मिला, कुछ नहीं मिला था नहीं। तब मोदी योगी अच्छा है कि नहीं है? नहीं ना अच्छा, ना अच्छा है तो सर परिवर्तन हुई, 5 किलो राशन दे के 50 किलो साल वैसा खाना हो, हाँ क्या कहेंगे आप? अरे कहाँ, चलिए ठीक है आप बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। चलिए तो इधर जो है माहौल ऐसा है, लोग धर्मेंद्र यादव का नाम लेने के लिए आखिरकार क्या क्या नाम है आपका? हमको पर अंगूठा छाप, हम क्या जानेंगे, क्या कुछ तो जानेंगे, किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा ही हैं, भाजपा ही हैं, देखिए भाजपा ही एक मिले हैं। क्या क्या नाम है आपका? ओमकार चौहान। अच्छा कितने कितने वोटों से जीत रहे हैं निरहुआ? अब वोट से कितने जीत रहे हैं ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा निरहुआ जीत रहे हैं ना, अब हम उसमें बैठे हैं थोड़ी हैं कि जीते या न जीते, मगर जीतना चाहिए। 2000 जीते, निरहुआ जीतेंगे राजा? अरे बताइए तो कहाँ जा रहे हैं? अरे देखिए देखिए देखिए, हाँ क्यों दादा क्या हो गया, क्यों आप इतने गुस्से में? भैया गुस्सा में हम नहीं है, हम तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन बशर्ते बच्चे जो हैं एक पेपर भरने में परीक्षा देने में 2500 से 3000 रुपए खर्च हो रहे हैं। परीक्षा देके घर आ रहे हैं कि चलो हमारी किसी न किसी तरह से नौकरी लग जाएगी, घर आ रहे हैं तब तक पेपर लिख, तो निरहुआ युवा है, सुनिए निरहुआ युवा है तो किसको रोजगार लगाया, किसको रोजगार दिया, मोदी किसको रोजगार दिए, योगी किसको रोजगार दिए, गरीबों का खून चूस रहे हैं और क्या। तो ये एक फिर मौका दीजिए, कह रहे हैं मौका दीजिए, 10 साल में सुनिए मोदी जी ने क्या कहा है, मोदी जी ने कहा है 10 साल में हमने पिछले गवर्नमेंट का सब गड्ढा भरा है, अब हमको 10 साल में और मौका, नहीं 5 साल और नहीं, 10 साल अच्छा नहीं। बाप हमारे साइकिल चल रहे हैं, हम भी साइकिल चाहते, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, तो जब 10 साल पहले जो किया है आज वो कर रहे हैं, आप ही के पिताजी पहले साइकिल से चलते रहे होंगे, आज आप कार से चल रहे हैं, तो हम पीछे के कहें हमारे बाप साइकिल चले तो हम भी आज साइकिल चलेंगे। अच्छा परफेक्ट बोल रहे हैं, लेकिन आप माइक पे नहीं बोल रहे हैं, क्या कहेंगे भैया? भैया बचाओ भैया, आप बताइए क्या कहेंगे, बता दीजिए, ये बताइए आपको क्या माहौल लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? अभी बहुत कटी की लड़ाई है, ठीक, कोई भरोसा नहीं कौन जीतेगा, बस की लड़ाई है, जो भी जीत सकता है। ये लीजिए पलट गए, अब आप लोग अभी कह रहे थे धर्मेंद्र, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं अभी भाई? कह रहे थे धर्मेंद्र यादव सामने कहा है, वो समय देखिए कह रहे हैं कांटे की लड़ाई है, कुछ नहीं लड़ाई है, लड़ाई से एकदम बाहर है, निरहुआ बाहर, क्या मालूम है धंधा भौरी लेके बैठा हम, एक को बिकल आओ खाए भर के ना हो पावत, बिका है नहीं बिका है, भूखे बैठा हम, वो बिका था, वो बिका था नहीं बिक रहा है लीजिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा, क्या नाम है आपका? रविकांत। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? बीजेपी आएगी और क्या, बीजेपी आएगी। चलिए देखिए देखिए दादा एक से, क्या क्या नाम है आपका? चंदा देवी। किसका माहौल है? किसका माहौल है, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। हाँ अच्छा काम किया नहीं रहुआ ने, हम लोग से कोई मतलब, हम लोग रोड पर ठेला लगा साहब ने किए, जो मुख्यमंत्री थे मोदी जी,
मोदी जी मुख्यमंत्री थे? नहीं, मोदी जी ने कि ओझा से सरकार बनेगी तो बनेगी। अच्छा, नहीं तो बाकी सरकार नहीं बनती। सरकार नहीं बनेगी मोदी? नहीं, मोदी की बनेगी सरकार, बनेगी तो। अच्छा, मोदी की बनेगी। देखिए दादा ने कहा मोदी के, आपका क्या नाम है? क्या नाम? हीरा लाल चौहान। तो क्या है माहौल यहाँ? मोदी की सरकार बनेगी और किसका बनेगी? भाजपा पर। भाजपा? अच्छा, भाजपा को वोट देंगे। अच्छा ठीक है। ये देखिए दो युवा है, क्या है नाम आपका? कुशागर मिश्रा। क्या माहौल है? केंद्र का बता सकता हूँ, आजमगढ़ में तो दोनों तरफ से टक्कर है। अच्छा, केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार है, एक नंबर। अच्छा ठीक है, तो देखिए इधर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र चौहान है। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का? मोदी जी का माहौल है। मोदी जी का माहौल है, तो देखिए जिसका खाएंगे उसी का गुण गाएंगे ने। तो क्या 5 किलो राशन वाला? 5 किलो राशन? राशन वाले मतलब नहीं है, राशन वाले मतलब राशन तो केंद्र सरकार से मिल रही है, आज से नहीं, जमाने से मिल रही है। ठीक है, क्या प्रधान कुछ करता ना, मतलब मोती का सब तो वो है, लोटे खातिर मांगा था। क्या सब आ तो चीरा उरी करत है? हां, कह रही है कुछ करते ही नहीं है मोदी। आपका क्या नाम है? मोदी तो बहुत कर रहे हैं। मोदी वोदी कुछ नहीं भैया, 10 साल में लूटने का काम किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। क्या लूटने का? 5 के देखिए, यहाँ कह रहे हैं लोग 5 किलो राशन दिया, किसान निधि दे रहे हैं, हर तरफ से तो हमको समृद्ध बना दिए, देश विदेशों तक नाम हो गया, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर अगर बन जाएगा तो आपको मिलेगा, आपका पेट चल जाएगा? हम पूछ रहे हैं आपसे। तो निरहुआ भी तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनवाने वाले कह रहे हैं। कौन सा एयरपोर्ट बना है? वो अखिलेश सरकार में पास हुआ है। अच्छा, अखिलेश सरकार में पास हुआ है? इस सरकार में कोई कुछ दिया है? चीनी मिल का जो है कि उन्होंने उद्घाटन कर दिया, जो कि अखिलेश सरकार ने, तो उसी में जो है कि उद्घाटन कर दिया कि जो है कि, तो ये निरहुआ कह रहे हैं अखिलेश यादव जहाँ भी लड़ते हैं वहाँ पर। हम महीने से जीते हैं ना। हाँ, तो क्या कार्यक्रम है आप किए हैं बताइए? तो एक और मौका दीजिए कह रहे हैं। कौन सा मौका चाहिए उनको? एक बार और, एक बार आदमी देखा ना उनको, बताइए।